गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। व्हाई प्लांट्स नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फर्स्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। सेकंड, ट्रांसपिरेशन। एक्स्ट्रा वाटर प्लांट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर इन द एनवायरनमेंट थ्रू द स्टोमेटा। इट गिव द कूलिंग इफेक्ट। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट यूज वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड आयंस। फोर्थ है हमारा मैकेनिकल स्टिफनेस। मैकेनिकल स्टिफनेस मीन फुली डिस्टेंडेड कंडीशन, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए लीफ। If water quantity is maintained, it is fully distended condition. If water is less in this leaf, it is in twisted form. बिल्कुल मुरझा जाएगा ये. Okay. Next, characteristic of roots for absorbing water. First है हमारा a huge surface area. Huge surface area means देखो, इट इज़ ए सिंगल रूट विद मैनी रूट हेयर्स। इट इज़ फ्रेशली जर्मिनेटेड रूट, मैनी रूट हेयर प्रेजेंट, दे ऑक्यूपाई ए ह्यूज सरफेस एरिया। मीन्स इफ ऑल द रूट हेयर्स ऑफ दिस प्लांट वर टू लेड एंड टू एंड, they would cover a length of many kilometers. किलोमीटर्स की लेंथ को ये कवर कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही वाटर एब्जॉर्व करने की इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूट हेयर्स कंटेनिंग शेल सैप ऑफ हायर कंसेंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। This characteristic is important for the requirement to draw in water from the outside. For example, occurrence of osmosis. अगर root hair के अंदर जो cell sap है वो highly concentrated है, means वहाँ पे water की कमी है, ठीक है, तो बाहर का जितना भी water होगा वो ये root hair उसको absorb कर लेंगे। थर्ड इज रूट हेयर हैविंग थीन वॉल्स। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डिजोल्व सब्सटेंसेस फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द सेल। द सेल मेम्ब्रेन इज थीन, वेरी थीन एंड प्रीमिएबल, विच मीन दैट इट अलाउ द मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, बट नोट द सोल्यूट मॉलिक्यूल ऑफ डिजोल्व साल्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दिस प्रोसेस फॉलोड मेनली फाइव फिनोमिना। फर्स्ट इज इम्बाइबेशन, सेकंड इज डिफ्यूजन, थर्ड इज ऑस्मोसिस, फोर्थ है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिफ्थ है हमारा टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। फर्स्ट इम्बाइबेशन। Imbibition is a phenomena by which the living or dead plant shell absorb water by surface attraction. Simply हम समझ सकते हैं इसको, imbibition एक phenomena होता है जिसमें कोई भी living हो या फिर dead plant shell हो वो क्या करेगी, directly surface के through water को absorb कर लेगी। For example, dry seed और wooden door। आपने देखा होगा जब भी हम ड्राई सीड को पानी के अंदर भिगोते हैं तो क्या कर जाते हैं, वो स्वेल अप कर जाते हैं, वो डायरेक्टली सरफेस के थ्रू वाटर को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इन रेनी सीजन कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा जो रेनी सीजन में वुडन डोर होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो, क्योंकि इन रेनी सीजन मॉइस्चर जो वुडन डोर होते हैं
वो सरफेस के थ्रू डायरेक्टली मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है, जिसके कारण वो स्वेल अप हो जाते हैं। और जो वुडन डोर होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, और जो हमारे ड्राई सीड हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो जो प्रोटीन और सेलुलोज है इनकी क्वालिटी होती है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मीन दे सो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर अट्रैक्शन, वाटर अट्रैक्शन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी शो करते हैं। मीन हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज़र। देखो, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस कोई सोल्यूट हो सकता है, सोलवेंट, गैस और लिक्विड। डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन वेन टू आर इन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो, सिंपली आप इसको कैसे समझोगे? डिफ्यूजन में एक तरह से फ्री मूवमेंट होगी। फ्री मूवमेंट मीन्स इनके बीच में कोई बैरियर नहीं है, डायरेक्टली क्या है ये आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है दोनों। जैसे हमने एक एक्टिविटी शो करके दिखाई है, टेकिंग बिकर ए बी एंड सी। इन बिकर वी टेक वाटर एंड ए डाई। डिफ्यूजन ऑफ ए सोल्यूबल डाई इन ए वाटर। इन बिकर ए वी पुट अप द डाई इन ए कॉर्नर। हेयर डिफ्यूजन इज स्टार्टेड। इन बिकर बी डिफ्यूजन प्रोग्रेसिंग। डिफ्यूजन स्लोवली स्लोवली नेक्स्ट प्रोग्रेस कर रहा है। इन बिकर सी डिफ्यूजन कंप्लीटेड। इन बिकर सी डिफ्यूजन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इट इज बिकम होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो समझिए, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस सॉल्वेंट सॉल्यूट गैस लिक्विड फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन। मीन्स कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे व्हेन टू आर इन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपली एक एग्जांपल और आप अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा आपने, किचन में सिलेंडर हर किसी की होता है। अगर हमारे किचन में गैस सिलेंडर हमारा लीक है, कॉर्नर के अंदर जो रखा हुआ है, तो उसकी स्मेल पूरे घर के अंदर फैल जाती है ना। मीन्स वो किसका एग्जांपल हो गया हमारा? डिफ्यूजन का। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर, ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें मेनली हमें क्या याद रखना है? डिफ्यूजन में भी क्या हुआ था? सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हाई टू लो मूव किए थे। इसमें भी क्या होगा? ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। कोई चीज़ इसमें तो कोई सोल्यूट गैस लिक्विड हो सकता था, इसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन और थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ जी, नोट क्या है इसमें? ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन वेदर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन और इन ए प्योर वाटर। नेक्स्ट है हमारा ओस्मोसिस। डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग सेल, ओस्मोसिस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी। फर्स्ट है
एंडोओस्मोसिस, सेकंड है एक्जोओस्मोसिस। एंडो मीन इनवर्ड मूवमेंट, पुश, ओस्मो मीन पुश यानी थ्रस्ट, एक्जो मीन आउटवर्ड मूवमेंट। ओस्मोसिस इज द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड। मीन्स देखो, कोई भी सेल है, अगर उसके सराउंड में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है। लेस कंसंट्रेटेड का मीन्स यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे इस सेल में वाटर की कमी है, तो वाटर मूव करेगा आउटवर्ड टू इनवर्ड मोमेंट होगी इसकी। अगर इनवर्ड मोमेंट होगी वाटर की तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। दिस टेंड टू स्वेल अप द सेल, ओके, सेल का साइज स्वेल अप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्जोओस्मोसिस। इट इज द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। दिस टेंड टू कॉज श्रिंकेज ऑफ द सेल। शी टेकिंग ए शेल, सेल की जो बाहर आउटर साइड में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेटेड। हायर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है यहाँ पे वाटर बहुत ही कम है, न के बराबर है, तो सेल के अंदर जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो क्या होगा, बाहर की तरफ आउटसाइड पे मूवमेंट शो करेगा। तो सेल के साइज पे क्या इफेक्ट आएगा, सेल का साइज जो है श्रिंक हो जाएगा। समझ आए बच्चों? नेक्स्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पासेज ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस में क्या हो सकता है, कोई सॉल्ट होगा या फिर आयन, फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विद यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे, हमने जो डिफ्यूजन किया था उसके बिल्कुल अपोजिट है। डिफ्यूजन में तो क्या था, कोई चीज़ हाई टू लो मूव की थी, बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पासेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर, लो लेवल से हाई पे, ओके, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल थ्रू ए लिविंग सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज सेम एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सेम होते हैं। देर इज नो इनपुट ऑफ एनर्जी, ओके, यहाँ तक समझ आया सभी को? अब हम करते हैं प्रोग्रेस चेक, तो कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर है आपका 41। प्रोग्रेस चेक में दिया हुआ है टिक मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ ए हायर वन। इट इज इनकोरेक्ट बिकॉज डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लोअर से नहीं हायर कंसंट्रेशन से टू देयर लोअर वन, ओके। नेक्स्ट है हमारा ओस्मोसिस इंक्लूड डिफ्यूजन बट नॉट वाइस वर्सा, ये हमारा करेक्ट है। ओस्मोसिस डिफ्यूजन को फॉलो करता है बट डिफ्यूजन ओस्मोसिस को फॉलो नहीं करता, ओके। नेक्स्ट है हमारा ओस्मोसिस इज यूनिडायरेक्शनल, ये हमारा इनकोरेक्ट आएगा क्योंकि जो हमारा ओस्मोसिस है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो आउटवर्ड मोमेंट भी शो करता है और इनवर्ड मोमेंट भी। एक्जो ओस्मोसिस मे कॉज बर्स्टिंग ऑफ ए सेल, इट इज ऑल्सो इनकोरेक्ट बिकॉज एक्जो ओस्मोसिस कॉज श्रिंकेज ऑफ सेल, नॉट बर्स्टिंग ऑफ ए सेल। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रिवेंट द पासेज ऑफ ए सोलूबल मोलिक्यूल. इट इज करेक्ट. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए डाइल्यूट सोल्यूशन लेस वॉटर विल पास इन टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. इट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके बच्चों, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को. थैंक यू.